हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मर ऑक्स द वे ऑफ सक्सेस फार्मर के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल सॉल्व एमसीक्यू टेस्ट नंबर 22 ऑन टॉपिक रियोलॉजी एंड माइक्रोमेरिटिक्स फ्रॉम सब्जेक्ट फिजिकल फार्मेसी एज अ पार्ट ऑफ अवर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर जी नाइपर डी फार्मासिस्ट एग्जाम सिन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वी प्रोवाइड यू थ्री प्रीमियम टेस्ट इन थ्री डेज प्राइज रुपीज पैसा पर Day MCQ solution and explanation. So, for more details, contact on 9016312020. So, you will get the instant test result, proper result analysis, and get your rank based on your performance. So, facility available on PharmaRox mobile app. So, download the PharmaRox Android application on Google Play. So, MCQ test number 22 with proper solution. टॉपिक रियोलॉजी एंड माइक्रोमेरिटिक्स फ्रॉम सब्जेक्ट फिजिकल ट्वेंटी डिग्री का हमें करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है ऑफ कैस्टरऑयल एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियसर फॉर डिफरेंट ऑप्शन मतलब की सेंटीपॉइस राइट आंसर फॉर धिस एमसीक्यू इज ऑप्शन नंबर ए हंड्रेड ओके सही आंसर हैल्सियस सो फॉर कैस्टरऑयल इट इज वन थाउजेंड अब खास ये एक टेबल काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए की एब्सोल्यूट विस्कोसिटी के Uh, जो अलग अलग न्यूटेनियन लिक्विड है कि जो न्यूटन को फॉलो करते हैं कि एफ इज इक्वल टू ईटा इनटू जी कि जो uh, कोई भी फ्लूइड्स है लिक्विड है उनके लिए जो न्यूटन का लो है तो जो फ्लूइड्स न्यूटन के लोग को फॉलो करते हैं उनको हम न्यूटेनियन लिक्विड्स या फिर न्यूटेनियन फ्लूइड्स कहते हैं सो so, जो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी फॉर ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस वो कुछ uh, वैल्यूज आपको याद रखने के कैस्टर ऑयल के लिए है वो 1000 सेंटिपॉयज मतलब कि सबसे ज्यादा विस्कोसिटी हम मान सकते हैं और कैस्टर ऑयल की देन क्लोरोफॉर्म 0.563 सेंटिपॉयज इथेनॉल अल्कोहल की है 1.19 ग्लिसरीन की है 400 ऑलिव ऑयल की है 100 एंड वाटर की है 1.0019 मतलब कि जो हम प्रैक्टिकल uh, कंसिडरेशन के लिए भी वाटर की जो विस्कोसिटी है हम एक कंसिडर करते हैं तो वो है एप्सोल्यूट विस्कोसिटी कि जो न्यूटोनियन फ्लूड से उनके विस्कोसिटी जो फिक्स है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस को ओके okay? तो तो कैस्टर ऑयल की सबसे ज्यादा हाईएस्ट वन थाउजेंड क्लोरोफॉम की एक से भी नीचे है पॉइंट फाइव सिक्स थ्री ऑलिव ऑयल के लिए हंड्रेड है और ग्लिसरीन के लिए फोर अब आपके माइंड में ये होगा कि 20 डिग्री सेल्सियस पे ही क्यों बिकॉज विस्कोसिटी जो है वो चेंज होती है जो आर्नियस का जो लो है हमने पढ़ा है कि उसके रिलेटेड की जो टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होता है ओके okay? तो विस्कोसिटी जो है वो कई बार डिक्रीज होती है फॉर ओनली फॉर द सम एक्सेप्स लाइक नेचुरल गम्स की लाइक और सेमी सिंथेटिक गम के की तो उसको आप पानी में डालोगे और फिर गर्म करोगे तो विस्कोसिटी इंक्रीज होगी बट बट जो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है वो ट्वेंटी डिग्री को ये खास आपको याद रखने हैं इंपॉर्टेंट वैल्यूज लेट सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म रियोलॉजी द ग्रीक वर्ड रियो इट मींस फ्लो एंड लॉगस इट मीन्स साइंस वॉज सजेस्टेड बाय टू डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ लिक्विड्स एंड द डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स तो साइंटिस्ट का हमें नाम फाइंड आउट करना है कि कौन से सा साइंटिस्ट ने रियोलॉजी टर्म जो है हमें दिया तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बिंग क्रोफोर्ड क्रोफॉर्ड ये खास सबको याद रखने दो साइंटिस्ट के नाम सो so, टर्म रियोलॉजी द ग्रीक वर्ड रियो इट मींस फ्लो एंड लॉगस इट मीन्स साइंस मतलब कि रियोलॉजी जो है इट इज द साइंस ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड्स एंड डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड सजेस्टेड बाय बिंग क्रोफॉर्ड फ्लूड टू फ्लो विस्कोसिटी जो क्या है, to, उसको कहा जाता है uh, कि जो रेजिस्टेंस है जब भी कोई लिक्विड फ्लो करता है कि समझे कि ये पाइप में से कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है ओके okay? तो वो उसके अंदर क्या होगा रेजिस्टेंस आएगा कि कई बार कोई लिक्विड फास्ट फ्लो करता है कोई लिक्विड काफी स्लो फ्लो करता है तो वो जो रेजिस्टेंस है फ्लो के अंदर वो है ड्यू टू द विस्कोसिटी ज्यादा है तो उसका फ्लो कम रहेगा विस्कोसिटी कम है तो इट विल फ्लो फास्टर द हायर द विस्कोसिटी ग्रेटर द रेजिस्टेंस एज विल बी सीन लेटर सिंपल लिक्विड कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी रियोलॉजिकल आर मोर इज़ रिगार्डिंग स्टेबिलिटी यूनिफॉर्मिटी ऑफ पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हमें चार अलग अलग ऑप्शन दिए हैं उसके रिलेटेड है पी क्यू आर एस पेटर्न तो यू कैन पॉज द स्लाइड एंड थिंक अबाउट दिस एमसी आप स्लाइड को पॉज करके स्टॉप करके Uh, पूरा पढ़ के उसका सही आंसर सोच सकते हैं एंड द राइट आंसर फॉर दिस ऑप्शन नंबर ए पी इज क्यू पी क्यू आर एस तो पी ट्रू है पार्टिकल साइज इन द फॉर्मुलेशन अफेक्ट द फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ द सस्पेंसन वो सही है स्मॉलर द पार्टिकल साइज क्यू इज फॉल्स स्मॉलर पार्टिकल साइज ऑफ द पार्टिकल पुअर द फिजिकल स्टेबिलिटी ये फॉल्स है आर ट्रू है गुड फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेन्यूल्स एंड पाउडर इंपोर्टेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल और एस फॉल्स कि स्लोअर द फास्टर द डिजोलूशन क्विकर एंड ग्रेटर द ड्रग एक्शन सो लेट्स चेक द एक्सप्लेनेशन क्यू एंड एस आर द फॉल्स बिकॉज स्मॉलर द द साइज ऑफ द पार्टिकल बेटर द फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ डोजेस फॉर्म नॉट द पुअर पार्टिकल साइज जितनी स्मॉल होगी उतनी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है बेटर स्टेबिलिटी मिलती है नॉट द पुअर दैट्स वाई वो फॉल्स था हायर द डिजोल्यूशन फास्टर द दिन एनहेंस क्विकर एंड ग्रेटर द ड्रग एक्शन नॉट द स्लोअर स्लोअर डिजोल्यूशन से तो ये सब स्लो हो जाएगा दैट्स वाई वी नीड द हायर डिजोल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर मेनी मेथड अवेलेबल फॉर डिटर्मिनिंग पार्टिकल साइज सच एज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी सीविंग सेडिमेंटेशन एंड पार्टिकल वॉल्यूम मेजरमेंट विच रेंज ऑफ पार्टिकल कैन बी मेजर बाय ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी तो हमें चार अलग अलग रेंज दिए हैं कि जो अलग अलग मेथड से कि आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी सीविंग सेडिमेंटेशन या फिर पार्टिकल वॉल्यूम मेजर करके ऑप्टिकल पार्टिकल साइज मेजर कर सकते हैं तो उसमें ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी से आप इनमें से कौन सी साइज के पार्टिकल्स मेजर कर सकते हैं तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कि रेंज है जीरो पॉइंट टू टू हंड्रेड माइक्रोमीटर फॉर ऑप्टिकल सो लेट्स चेक द एक्सप्लेनेशन मेथड फॉर डिटरमाइनिंग पार्टिकल साइज फॉर ऑप्टिकल टू हंड्रेड माइक्रोमीटर सीविंग के लिए है फोर्टी टू नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेडिमेंटेशन के अंदर है जीरो पॉइंट जीरो हंड्रेड माइक्रोमीटर एंड फॉर पार्टिकल वॉल्यूम मेजरमेंट इट इज पॉइंट फाइव टू थ्री हंड्रेड माइक्रोमीटर तो ये खास आपको याद रखना है मेथड फॉर डिटरमाइनिंग पार्टिकल साइज नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रेंज ऑफ पार्टिकल साइज कि वन माइक्रोमीटर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अल्ट्रा सेंट्री एंड बाय एब्जॉर्बसन यू कैन मेजर वन टू हंड्रेड माइक्रोमीटर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी सेडिमेंटेशन कल्टर काउंटर एंड एयर परमिबिलिटी एंड ग्रेटर देन फिफ्टी यू कैन मेजर बाय सीविंग टेक्निक

वर्स्ट इज ट्रू डेंसिटी कि जिसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं वॉल्यूम ऑफ पोर्स एंड वाइड बिकॉज जब भी हम मेजरिंग सिलेंडर के अंदर कोई भी पाउडर फील करते हैं तो पाउडर के पार्टिकल्स जो है उसके बीच में प्रेजेंट होते हैं वाइड मतलब कि पोर्स ओके तो वो दोनों को हम कंसिडर करते हैं वेन वी मेजर द डेंसिटी सेकेंड इज बल्क डेंसिटी कि जो बल्क मास बाय वॉल्यूम इट इज द बल्क डेंसिटी सेकंड इज टैप डेंसिटी कि जब हम पाउडर को टैप करते हैं बाय 500 टाइम्स ओके बाय यूजिंग द मैकेनिकल टैप डेंसिटी टेस्टर और बाय यूजिंग द मैन्युअली तो दिस इज द टैप डेंसिटी टैप डेंसिटी इज ऑप्टेन मेकेनिकली बाय टैपिंग ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर और वेसल कंटेनिंग द पाउडर सैंपल क्वेश्चन नंबर सिक्स रिगार्डिंग न्यूट्रेनियन फ्लो एंड नॉन न्यूट्रेनियन फ्लो पी क्यू आर एस पैटर्न है यहां पे भी और उसमें से हमें फाइंड आउट करने हैं करेक्ट ऑप्शन सो यू कैन स्टॉप दिस स्लाइड एंड रीड द एम सी क्यू फॉर थिंकिंग एंड द राइट आंसर फॉर दिस एम सी क्यू इज ऑप्शन नंबर डी पी ट्रू क्यू ट्रू आर फॉल्स एंड एस ट्रू तो पी सही है कि न्यूटन वॉज द फर्स्ट टू स्टडी द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स ियस डिस्पर्सोडलूशन इमल ये भी सही है आर इज फॉल्स मतलब की प्लास्टिकल न्यूटेनियन इट्स ओरिजिनल स्टेट ऑफ फ्लुडिटी सही है सो प्लास्टिक सीडियो प्लास्टिक एंड डायलेटेंट आर मेन थ्री टाइप ऑफ नॉन न्यूटेनियन फ्लो जिसके अंदर हम थ्री uh, टाइप के फ्लो पढ़ते हैं प्लास्टिक सीडियो प्लास्टिक एंड डायलेटेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन गिवन द कर्व ऑफ विच टाइप ऑफ फ्लो हमें ये कर्व दिया है और इस पर से फाइंड आउट करना है कि कौन से टाइप का फ्लो है न्यूटनियन है प्लास्टिक है सीडियो है या फिर डायलेटेंट तो जो हमने अभी रिजल्ट पे रियोलॉजी पे पूरा वीडियो लेक्चर आपको दिए है तो वो पूरा चैप्टर आप पढ़ सकते हो और उसका सही आंसर है डायलेट एंड फ्लो रियोलॉजी एंड माइक्रोमेरेटिक्स पे पूरे फुल वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है तो जिसके लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे सो दिस कर्व टाइप का जब कर्व होता है तो उसको कहा जाता है डायलेटेंट। समझो कि ये इस तरह से नीचे से ऊपर जाता है तो उसको हम कहेंगे सीडो और समझो कि यही कर्व यहाँ से स्टार्ट होता है ये वाले पॉइंट से नॉट फ्रॉम द ओरिजिन तो इट विल बी कॉल ए प्लास्टिक फ्लो और न्यूटेनियन का फ्लो न्यूटेनियन फ्लो के लिए इस टाइप का

थ्रिक्जोटॉपिक बिहेवियर के बारे में पी क्यू आर एस सिस्टम एंड द आर हियर, सो वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, तो आप ये स्लाइड को स्टॉप करके सही आंसर सोच सकते हैं एंड उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पी फॉल्स है मतलब कि इट इज कंपेरेटिवली फास्टर रिकवरी ऑन स्टैंडिंग ऑन फे मटेरियल विच लॉस इज कंसिस्टेंट थ्रू सीअरिंग

सही होता है स्लो रिकवरी इट मीन थिक्सोट्रोपिक बिहेवियर इट इज कंपरेटिवली स्लो रिकवरी ऑन स्टैंडिंग ऑफ ए मटेरियल विच लॉस इज याद थ्रू है स्लो रिकवरी नेक्स्ट क्वेश्चन काइनेमेटिक विस्कोसिटी विच वन इज ट्रू हियर वी हैव अगेन पी क्यू आर एस सिस्टम एंड हियर आर द ऑप्शन एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कि पी क्यू आर और एस चारों में ट्रू है मतलब कि चारों सेंटेंस सही है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द विस्कोसिटी बाय द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एट स्पेसिफिक द यूनिट ऑफ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज स्टॉक और सेंटीपॉइस द विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर वो भी सही है एंड विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज विथ एज टेपरेचर इज इंक्रीज so, वो भी सही है एंड फ्लूइडिटी ऑफ लिक्विड रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीज विथ टेंपरेचर वो भी सही है मतलब चारों सेंटेंस सही है सो so, ये है काइनेमेटिक विस्कोसिटी यू कैन सी इटा बाय रो के एब्सोल्यूट विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय द डेंसिटी और उसके सेंटी स्टॉक एंड स्टॉक उसके है

ये भी एक रिलेशनशिप आपको याद रखना है फ्रॉम द इक्वेशन हायर टी लार्जर के इंक्रीज और फास्टर रेट स्मॉलर लार्जर के इंक्रीज फास्टर रेट तो यहां से भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है दिस इज मोस्ट आई एम पी ओके वाला जो फॉर्मूला एंड टेबल मोस्ट आई एम पी फॉर यू खास एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन विस्कोसिटी यूज फॉर न्यूटोनियन फ्लूड्स कप एंड बॉब कॉन एंड प्लेट ओसवाल फॉलिंग स्पियर और ऑल ऑफ दीज आर द नॉन न्यूटोनियन फ्लूड सो विस्कोमीटर यूज फॉर नॉन न्यूटोनियन फ्लुइड्स तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए कप एंड बॉब एंड कॉन एंड प्लेट सो ये खास आपको याद रखते हैं कि इक्विपमेंट यूज इन न्यूटोनियन न्यूटेनियन फ्लू एंड फॉलिंग स्पियर कि जो न्यूट्रेनियन के लिए यूज होते हैं वो विस्कोमीटर एंड फॉलोइंग स्वेयर स्पेशलाइज जो, जो यूज होते हैं विस्कोमीटर की कप एंड बॉफ क्वॉन एंड प्लेट एंड ऑल्सो द ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर की जो नॉन न्यूट्रेनियन एंड न्यूट्रेनियन दोनों के लिए यूज होता है वो है ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर सो थैंक यू फ्रेंड्स सोल सच मोर एम सीक विथ सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन इन अवर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल ऑन फार्मर एप And the subscription charge rupees 100 of a one year is like 28 paisa per day. So, these all are the facilities you will get. So, you can contact on 9016312020 to get this test series.